अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेम्बर आज आपको सिखा रही हूँ कैरेट कपकेक। इस ये देखिए कैरेट है और इसके लिए मुझे जो है मिल्क चाहिए 1 टेबल स्पून, फ्लोर और बेकिंग पाउडर है, 1 एग है और जो है बटर और शुगर है। इनको अच्छे से बीट करूँगी पहले मैं बटर और शुगर को। सब 40-40 ग्राम मैंने इसमें लिया हुआ है बटर, शुगर, फ्लोर। कैरेट आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, आप जितना डालना चाहते हैं। वॉलनट इसमें मैं डाली हूँ साथ, वो आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, ठीक है। और फ्लोर में मैं ये कैरेट और वॉलनट मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छे से जो है फिर केक में हमारे हर तरफ आ जाए। बटर शुगर को इतना बीट करना है कि फ्लफ़ी हो जाए। ये देखिए ये बीट हो चुके हैं, इतना बीट कीजिए कि फ्लफ़ी हो जाए। अब 1 एग इसके अंदर आप डाल दीजिए, इसे अच्छे से आप बीट कीजिए। जितना अच्छा बीट करेंगे इतना केक आपका अच्छा बनेगा, स्मूथ बनेगा, एकदम से हार्ड केक नहीं होगा बिल्कुल। ये देखिए अब हमारा ये मिक्स हो गया। वो जो फ्लोर था हमारा जिसमें हमने कैरेट और जो वॉलनट मिक्स किया हुआ था, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें आप जो है फ्लेवर अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप वैनिला डाल दीजिए खाली। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे इसकी। थोड़े कैरेट मैंने बचा लिए, आप चाहें तो ऊपर से मिक्स कर लें। अब इसे मोल्ड में लगाएंगे। ये देखें कैरेट का मिक्सचर है इसके अंदर, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसे बेक करेंगे और ये बस रेडी है जी। तो देखिए हमारा कैरेट कप केक जो है रेडी है। इसी के साथ मैंने ब्रेड बना लिया, अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है, हल्का सा। ये देखिए रेडी है जी। तो देखिए हमारा कैरेट कप केक रेडी हो चुका है। ओवन मैंने बंद कर दिया, अब इसका कलर भी देख सकते हैं, ठीक है। बस अब इसे निकाल लेंगे। चलिए ये देखिए ये अब ठंडा हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए सिलिकॉन में से क्या होता है, निकालना कितना आसान है। मैं एक ही हाथ से निकाल लिया, देखिए कितना आराम से निकल जाएगा। ये देखिए बेहतरीन एकदम। जो बच्चे कैरेट नहीं खाते वो भी अब शौक़ से खाएंगे। ये देखिए आप सब जगह इसमें आपको कैरेट नज़र आ रहा होगा और टेस्ट वाइज भी बहुत बेहतरीन बनता है। इसमें डेकोरेशन करना चाहते हैं, हम डेकोरेशन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने सोचा कि मैं आपको काट के भी दिखा दूं इस कप को, ताकि अंदर से भी आपको इसकी नज़र आए। ये देखिए कितना बेहतरीन बने, और कैरेट भी आपको हर जगह नज़र आ रहे होंगे, वॉलनट भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरीके से आप सब बना सकते हैं। एक मैंने ये सिलिकॉन में बनाया था, बाकी मैंने जो है कपकेक लाइनर में बनाए, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। उसमें मैं साथ कर रही हूँ जैम फिलिंग। अच्छा ये देख लीजिए आप अंदर से इसको कि कितना बेहतरीन ये हर तरफ कैरेट आए हुए हैं इसमें। ये बेहतरीन हमारा कैरेट कपकेक रेडी है। इसी तरह आप इसे केक के मोल्ड में भी बना सकते हैं। अच्छा जब हम जैम फिलिंग करेंगे, ये देखिए ये मैंने इसमें केक के कपकेक के जो मोल्ड है उसमें बनाए थे। अब क्या करूँगी, नोज़ल से जैम इसके अंदर मैं फिल करूँगी, जैम नोज़ल से। और ये सब जितने भी नोज़ल हैं ये जो इसके कपकेक के आपको नज़र आ रहे हैं लाइनर, ये सब मैं लिंक दे दूँगी जहाँ से सब चीज़ आपको आराम से मिल जाएंगी। तो आप ये केक बनाइए और अपने बच्चों को भी वेजिटेबल खिलाइए जो नहीं खाते शौक से। इसी तरह जितने भी आप उसमें सब में ये फिलिंग कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप चाहें जैम फिलिंग कर सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे ही सादे रखें। कैरेट के साथ जब जैम फिलिंग होगी तो ज़्यादा बेहतरीन इसका टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए जितना पुश करेंगे अंदर तक जो है जैम चला जाएगा। इस नोज़ल का ये फ़ायदा है इस नोज़ल से फिलिंग करने में, ऊपर से फिनिशिंग भी रहती है और अंदर तक जैम चला जाता है इसके। ये देखिए इसमें मैंने 4 बनाए थे, ये 4 कैरेट कपकेक हैं और एक जो है मैंने विदाउट जैम बनाया है, तो वो मैंने सिलिकॉन में आपको बना के दिख